हिंदुस्तान कविता और शायरी का देश है और इस देश में प्रेम भाव की व्याख्या करती हुई बहुत सारी कविता और शायरी लिखी गई है और वो आज विभिन्न मंचों पर पढ़ी जाती है। शायरी है, गजल है, नज़मे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम आज के सामाजिक ताने बाने को देखें तो हम देखते हैं कि प्रेम भाव की कहीं कमी है। ऐसा क्यों है, इस मसले पे मेरे साथ मौजूद हैं रितेश चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन हिमगिरी यूनिवर्सिटी। और रितेश जी का कम्युनिकेशन के अलावा कविता, शायरी और उसमें पनप रहे विभिन्न किस्म के जो भाव हैं उनके ऊपर इनकी एक अच्छी पकड़ है, तो इस बारे में हम आज उनसे बात करेंगे। तो रितेश जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि शायरी और कविता, इसके प्रति आपका झुकाव कैसे शुरू हुआ? और देखिए सुधीर जी, जो जहाँ तक मेरे झुकाव की बात है, मैं आपको एक बात बड़ी सहज रूप से बताना चाहता हूँ कि आकर्षण का भाव शायरी, कविता, प्रेम, उनकी उत्पत्ति के साथ उनमें है। उनका जन्म ही किसी आकर्षण के कारण हुआ है, उसमें किसी ने अपने लेखन के दम को डाला है, उसने अपने भावों को डाला है। और जब भाव सकारात्मक हो, जब भावों में प्रेम हो, जब भावों में चुंबकीय गुण हो, तो आपका आकर्षण समलाजमी है। उस आकर्षण में मैंने ये दुनिया, ये समाज, सभी समाहित है, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान। शायरी, कविताएं, नज्म सभी को आकर्षित करती है। ऐसा आपकी उम्र का वो कौन सा दौर था जब आपको अचानक से इस प्रकार की चीजों की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगा, और जो चीजें आमतौर पे दार्शनिक हजारों साल की व्याख्या में कर पाते हैं, आपको महसूस होने लगा कि एक कविता वो चीज़ कह रही है? देखिए, जहाँ तक उम्र के पड़ाव की बात है, तो जीवन के जो 16वां बसंत जिसे हम लोग कह के बातचीत करते हैं जी, उस बसंत में, जीवन के उस पड़ाव में, शायद शारीरिक या मानसिक एक अलग तरह की अनुभूति आप चीज़ों के प्रति महसूस करते हैं। आप यौवन की उस अवस्था में शायद मानसिक रूप से दुनिया को स्वीकार करने के लिए एक अलग तरीके से तैयार होते हैं। आप एक ऐसे मुहाने पे खड़े होते हैं जहाँ आप चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया विकसित कर रहे होते हैं। तो एक नज़्म की चार पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं कि चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, है लोगों की मजबूरी, रोक सको तो बारिश की पहली बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो है, है मिट्टी की मजबूरी। ये जो 16वें साल का एहसास है ना, ये उस महक को अपने साथ लेके और मैंने भी सबकी तरह उसी दौर में इस चीज को महसूस किया। वो कौन से शायर थे, वो कवि थे जिन्होंने सबसे पहले आपको प्रभावित किया? देखिए, जहाँ तक नज्म और कविताओं के मामले में बात करें, तो बहुत ही लोकप्रिय जन कवि के तौर पर हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम बात गुलजार की करें, चाहे हम जावेद अख्तर की बात करें, ये मेरे प्रिय कवि रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर मुझे दुष्यंत कुमार की रचनाओं ने ज़्यादा आकर्षित किया। दुष्यंत जी की रचनाओं में मुझे आम जीवन ज़्यादा अच्छा लगता नजर आता। ठीक है सुधीर जी, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। ऐसी कोई कविता, कोई नज्म जो दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियाँ? दुष्यंत कुमार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक बात कही है कि कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल लेगा। वो जो एक जज्बा है जी, वो गिरे हुए आदमी को भी उठाने की बात करता है। तो कविता सिर्फ महज गाए जाने के लिए एक माध्यम नहीं है, वो एक ऐसा माध्यम है जहां आपके अंदर एक जुनून, एक क्रांतिकारी भाव पैदा करता है। तो आज जब हम देखते हैं नौजवान पीढ़ी स्कूल से कॉलेजेस में आती है और सोशल मीडिया के प्रभाव में रहती है, हालांकि सोशल मीडिया पे भी आपको कविताएं, नज्म बहुत पढ़ने को मिल सकती, लेकिन आप देखते हैं अधिकांश समय बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जब शायद आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों में रहे होंगे और आज जो बच्चे ग्रेजुएशन के दिनों में, तो क्या क्या वो अंतर है, मतलब किस प्रकार से आप लोगों को, जाहिर सी बात है किताबें पढ़नी होती होंगी अपने सिलेबस की भी, लेकिन आप खुद का शौक भी है कि मैं कविताओं को पढ़ूँ, समझूँ, देखूँ, उनको एहसास करूँ, तो क्या अंतर देखते हैं हम आज?
देखिए, जहाँ तक आपने जनरेशन गैप की बात की है सुधीर जी, तो जनरेशन गैप मेरे पिता का उनकी पिता की उम्र के साथ भी रहा होगा, मेरे पिता का मेरी उम्र के साथ भी एक जनरेशन गैप है, और हम भी एक आने वाली पीढ़ी के साथ उस परिवर्तन को देख रहे हैं। तब में और अब में जो कविताओं में, जो स्वरूप में, उनके आकार में, उनकी प्रवृत्ति में जो परिवर्तन देखने को मिला है, उस दौर की कविताएं ज्यादा गढ़ी और मंझी हुई होती थी। उसकी वजह खास ये थी कि शायद उस दौर में लोगों के पास त्वरित मंच नहीं थे। लोग अनुभव करते थे, उन पलों को जीते थे और उन पलों को बार 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 अंदर से महसूस करते थे। जैसे आप ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, आप ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, तो आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में जहाँ चूल्हा जलता है, जिस कक्ष में वो चूल्हा जलता है वो हमारा रसोई घर, जहाँ पर हम लोग उपले कंडे और लकड़ी से चूल्हे को जलाते हैं। तो अगर हम उस जगह को, जिस वक्त चूल्हा ना भी जल रहा हो, उस वक्त अगर उस कमरे में जाते हैं तो भी एक सोंधापन महसूस करते हैं। वो वजह क्या है कि निरंतर धुएं के उठने से, निरंतर उस महक के होने से उस कमरे के अंदर वो वातावरण बन गया है कि अब वो महक, वो खुशबू वहां महसूस की जा सकती है। लेकिन आप वही, आप ये देखिए कि अगर आपने अपने चूल्हा जलाया, दरवाजा खोल दिया, तो वो धुआं क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ऐसे ही विचारों का है, आप अपने मन में विचार रुकने नहीं देते। तो जो आज की पीढ़ी है उसके पास इतने सारे सोशल मीडिया के माध्यम से मंच हैं कि उसके मन में कुछ भी आता है वो तुरंत उसको मंच पे ले जाकर रख देता है, उनको शैशव काल में ही अपने आगे बढ़ा देता है। मतलब उनको अपने मन में स्थान बहुत देर तक रोकता नहीं है। अगर वो रोक लेता तो शायद उनको थोड़ा विकसित होने का मौका मिल जाता था। तो यानी जो आज के दौर की रचनाएं हैं वो विकसित रचनाओं में नहीं, एक तरह से हम कहें कि उन कविताओं को, उन रचनाओं को परिपक्व होने का समय जी बिल्कुल बिल्कुल परिपक्व होने का समय नहीं मिलता। और अपने शैशव काल में ही जितने भी हमारे बच्चे होते हैं वो सब सोशल मीडिया पे एक ग्लैमर होता है जिसके तहत वो सब चाहते हैं कि हमारी रचनाओं को देखें पढ़ें। मैं ये भी जानना चाहता हूँ रितेश जी कि क्योंकि भारत में हर एक नौजवान के जीवन की शर्त ये होती है कि वो हायर एजुकेशन में जब है तो अपने कोर्स की पढ़ाई भी करे, लेकिन इसके इतर यदि आप अपने शौक को बरकरार रख पाते हैं, अब मैं शौक तो नहीं कहूँगा इसे, ये आपका जुनून भी हुए, इसको आपने कैसे बरकरार रखा? आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आपने पीएचडी भी की, तो इतने समय जो एकेडमिक लाइफ आपकी रही, ये जो उसमें भी आपने इस अपने जुनून को कैसे बरकरार रखा? देखिए, मैं इसी में एक शायर की एक गीत की पंक्ति, एक फिल्म की, जिंदगी एक अलग चीज़ है और जिंदा रहना एक अलग बात है। तो हमें जिंदगी जीते जीते खुद को जिंदा भी रखना है, तो ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है अपनी सामान्य सी दिनचर्या में। अगर हम थोड़ा सा भी, हमें वक्त अलग से नहीं निकालना है, हमें केवल पूर्णता के साथ जीवन को जीना है। और अगर हम पूर्णता के साथ जीवन को जी रहे हैं तो आप यकीन मानिए जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, चाहत हैं, वो दबती नहीं है। हालांकि देखिए, अगर उस दौर से अब के दौर की एक तुलना मैं आपको करके बताऊं तो तब हमारे पास विश्वविद्यालयों के अंदर ट्रेडिशनल कोर्स अगर थे तो उनमें शिक्षक अगर हिंदी का साहित्य का कवि है, शिक्षक है, तो वो अगर हमें, अगर मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा रहा है या हमें किसी अन्य को पढ़ा रहा है तो वो उस रचनाओं में डूब के पढ़ा। आज शिक्षक को अपना कोर्स पूरा करना होगा, तो आज के, और उसमें परिवर्तन ये है कि शायद तब राष्ट्र निर्माण की बात हमारे मन में, आत्मा में बचपन से थी, तो क्योंकि शायरी कविताएं हैं ये राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं, उन्होंने जन आंदोलन खड़े किए हैं, तो हमें एक माहौल चारों तरफ ऐसा कहीं ना कहीं मिलता ही था, चाहे सड़कों पे चलते हुए मिले। आज क्या है, आज फ्लोटिंग जनरेशन है, आज रेस्टोरेंट कल्चर है, आज लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग सुनाना तो चाहते हैं मगर सुनना कोई नहीं चाहता है। हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, केवल सुना रहे हैं। जो सुनना अपने आप में एक कला है और हम शायद सुनना भूल गए हैं। तो अगर वो दौर कोई नहीं बदलता है, हम लोग की एक सोच अपना एक तरह का बदलता है, तो वक्त निकालने के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हम जिंदगी को पूर्णता के साथ जीते। अब ये भी देखा जाए, अगर हम पूरे इतिहास को देखते हैं अपने देश में कविता शायरी का, कि प्रेम भाव का भी राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम दुनिया के सबसे सहिष्णु देशों में से एक कहलाए जाते हैं और आज भी माने जाते हैं।
और शायद हमारे कवि साहित्यकार या जो शायर हैं उनकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। अब प्रेम को यदि हम जब इसकी व्याख्या करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो प्रेम भाव तो एक होता है निजी स्तर पर, जिसमें प्रेमिका का जिक्र होता है, उसके जुल्फों का जिक्र होता है या उसके केशों का जिक्र होता है। एक प्रेम भाव वो भी है जो बड़े स्तर पर है, जिसमें हम कहते हैं कि इंसान के इंसान से इंसान के प्रेम की बात हो। तो प्रेम भाव को आप कैसे देखते हैं एक नवयुवक और नवयुवती के जीवन में? देखिए ये भी एक दौर की बात है। अगर हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ कैसा वातावरण है, कैसे लोग हैं, इसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम आज वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो कभी श्रृंगार रस, हालांकि हमारे समाज के अंदर थोड़ा बहुत सारा हम पूजते हैं कृष्ण को, फिर भी हम उन पर बातचीत करने से बचते हैं, हमारे माँ बाप प्रेम पर बातचीत करने से बचते हैं। हमारे समाज में तमाम तरह की कुरीतियां भी व्याप्त हैं जिनके चलते प्रेम और इन सब चीजों को प्रतिबंध लगाया जाता है। सुधीर जी, जैसे ही शब्द आता है प्रेम, तो हमारे मन में शायद हम लोग की मेंटल कंडीशनिंग इस तरह की हुई है, हमें इस तरह के विचारों के साथ पाला गया, बड़ा किया गया कि प्रेम ज्यादातर एक यौवन अवस्था में एक कन्या का एक पुरुष के साथ, एक लड़का एक लड़की ही के बीच का प्रेम होता है। और जैसा आपने बताया प्रेम विराट अवस्था में, तो देखिए विराट अवस्था नहीं है ये, जो एक युवक एक युवती अगर प्रेम कर रहे हैं तो वो महान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके मन में ये भाव नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप किसी और तरह के एहसास को जी रहे होते हैं। आपने अगर आप बात करें राम के दौर की, राम और सीता, तो उनके श्रृंगार रस में एक वियोग का प्रसंग था जब सीता जी को रावण उठाकर ले गए थे। तो आप देखिए राम सीता जी को ढूंढ रहे हैं तो उनके मन में ये भाव खत्म हो गया है कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। रामायण का एक श्लोक है, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उन इसका मतलब ये नहीं है कि मृग और खग उनसे बात कर रहे हैं, वो प्रेम में इतना डूब गए हैं कि वो जो भी राह में मिल रहा है उसी से पूछ रहे हैं कि कहाँ हो। और अगर हम कृष्ण के दौर की आके बात करें तो वहां तो जड़ और चेतन का भाव ही खत्म हो जाता है, वहां तो लताएं हैं जिनसे गोपियां लिपट रही हैं और उनसे बात कर रही हैं कि इन लताओं ने इन पेड़ों ने क्या मेरे कृष्ण को देखा है। तो ये पागलपन नहीं है, ये प्रेम की उच्चता का प्रतीक है कि हम अपने मन से जड़ चेतन के भाव को मिटा देते हैं। लेकिन अलग अलग तरीके से अलग लोगों की व्याख्या है, देश प्रेम है, जैसे मुनव्वर राणा की अगर बात करें तो वो माँ के प्रति इतना समर्पित है कि सारी रचनाएं उन्होंने माँ के लिए लिखी है। अगर हम जावेद अख्तर साहब की बात करें तो उन्होंने प्रकृति से ही प्रेम कर लिया है, प्रकृति ही उनकी सहचरी है। अभी हाल ही में मैं उनकी रचना पढ़ रहा था तो जहां मैंने महसूस किया कि प्रकृति को तो वो ऐसी प्रेयसी के तौर पर देखते हैं जो उनके बिस्तर पर आके बैठ जाती है, जो उनके साथ बातचीत करती है, वो उसको निहारते हैं, देखते हैं। और अचानक सुबह जब सूरज की किरणें खिलती हैं तो लहलाती हुई प्रकृति बाहर पहाड़ों के बीच में चली जाती है, जावेद अख्तर साहब अपनी ड्रेंगजिम के साथ उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। तो ये कहीं भी निम्नता उच्चता ये नहीं है, प्रेम एक ऐसी चीज है कि जहां भी हमारा मन लग जाए। प्रभु भक्ति भी तो एक प्रेम ही है, प्रभु के प्रति भी अपना एक समर्पण है, प्रेम है। तो कभी भी निम्नता उच्चता की बात नहीं है, जिसका जहां मन जैसे उठ जाए वही प्रेम। शायद दुनिया में कोई बेहतरीन से बेहतरीन साम्यावस्था होगी तो वो प्रेम के कारण ही होती होगी। मैं ये भी जानना चाहता हूँ 21वीं सदी में जब हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि हिंसा का बोलबाला बढ़ रहा है इत्यादि चीजें, तो मैं ये जानना चाहता हूँ व्यक्तिगत स्तर पे जिस प्रेम की व्याख्या आप कर रहे हैं उससे हमारे अंदर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं या कौन कौन से अन्य भाव उपजते हैं। मसलन कोई बोलेगा पवित्रता, कोई बोलेगा भाईचारा बंधुत्व, कौन कौन से ऐसे भाव जो हैं आपको अच्छा महसूस कराते हैं? देखिए जैसे अभी आपने बात की ना कि बहुत सारे भाव पैदा होते हैं, और जंग की बात आपने की, हिंसा और अहिंसा की बात, अनुज कुमार साहब की फिल्म का गीत है कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। सहज नहीं है, आसान नहीं है। आप देश जीत सकते हैं लेकिन किसी इंसान के साथ आपका समर्पण हो जाए ये आसान नहीं। ये भाव व्यक्ति समय के साथ अपने अंदर पैदा करता है, क्योंकि सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। आप लेकर क्या जाएंगे, आपके साथ क्या जाएगा, आप जीवन में जो जीते हैं वो किस रूप में किस रंग में जीते हैं। देश जीतोगे किसके लिए, आखिरकार आप जीत पर मुकाम पर खड़े हो गए
तो आपके साथ खड़ा कौन होगा? आप ऊंचाइयों पर होगे, आप शहंशाह होगे, आपको शहंशाह बनाने वाला है कौन? आपके इर्द गिर्द के लोग, आपका समाज और आपकी दुनिया। और अगर आप उनके दिलों पर राज नहीं करते तो आपकी बादशाहत के कोई मायने नहीं, आपकी उच्चता के, आपके वर्चस्व के कोई मायने नहीं। न जाने कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए हैं और कितने गए हैं, लेकिन आज भी अगर किसी को गुनगुनाया जाता है तो वो इसलिए क्योंकि हमारा प्रेम उनके प्रति है। चाहे आज़ादी के उन नौनिहालों की बात करें जिन्हें अंग्रेज सरकार ने फांसी पे चढ़ा दिया था, चाहे भगत सिंह की बात करें, चाहे राजगुरु की बात करें, क्योंकि हमारा मन, हमारा उनका भारत माता के प्रति प्रेम था, हमारा उनके प्रति प्रेम था। तो प्रेम भाव से हम दुनिया को जीत सकते हैं, जंग कभी भी समाधान नहीं हो सकता। तो जैसे रितेश जी ने कहा, जीते हूं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। हिंदुस्तान की यही कहानी रही है, आज से नहीं हजारों साल से यही इस देश की कहानी है। और प्रेम भाव हम दोबारा से, अगर कहीं कुछ कमी हो रही है तो उसको हम दोबारा से अपने मनों में स्थापित करेंगे, हर जगह उसको लेके आएंगे। रितेश जी, मैं अब थोड़ा सा इसमें प्रेम भाव के ही ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से शायर हैं, वो कौन से कवि हैं जो गाहे बगाए आपके मन में जिनकी रचनाएं आती रहती हैं। मैं कुछ यदि पंक्तियां आप हमारे दर्शकों को सुना दें तो हम लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे। देखिए, जैसे आज के दौर में अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो आज के युवा कवियों में अगर हम बात करें तो कुमार विश्वास जी काफी फेमस हैं। उन्होंने भी एक प्रेम के ऊपर एक अमर गीत की रचना ही कर दी है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो हर व्यक्ति जो भी लिख रहा है, शायद वो हम तक पहुंच भी नहीं पा रहा, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की रचना हम तक पहुंच पा रही हो, लेकिन आज की रचनाएं भी हैं जो बड़ी लोकप्रिय हो रही हैं, हम उनसे अटैच रहते हैं। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे जो एक अंतिम भाव है वो यही है कि एक ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शब्दों में नहीं बयां करा जा सकता। जैसे किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो प्यार को, प्यार ही रहने की कोई नाम। तो ये हमारी बातचीत थी रितेश जी से। बातचीत में बहुत सारे पहलुओं को हमने छुआ और आने वाले समय में हम इस किस्म के डायलॉग्स, इस किस्म के डिस्कशंस, जिससे कि एक आत्मसंतुष्टि का भाव भी पैदा होता हो, मन में एक पॉजिटिविटी भी आती हो, इस प्रकार के डिस्कशंस आपके सामने लाते रहेंगे। आज के लिए हम रितेश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया और अपने विचार हमसे व्यक्त किए, साझा किए। आप सभी का धन्यवाद।